तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि लीगल ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एक पैराग्राफ यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा, स्वतंत्रता आत्यंतिक या अनियंत्रित अथवा बंधनों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उससे तो अराजकता और अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से शुरू होकर के यहाँ संघर्ष ना हो तक का, यहाँ तक आपका सेंटेंस है। लेकिन जब ट्रांसलेट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को लेकर के ट्रांसलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है मैंने यहाँ पे आपको देख स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस सेंटेंस में मैं पहले वाक्य को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है इस वाक्य में। हाँ, ये है स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ ये कर्ता के रूप में ये आएगा। उसके बाद में आत्यंतिक या अनियंत्रित अथवा बंधनों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये क्योंकि लिखा है आगे जा कर के, तो ये क्योंकि लिखने का मतलब है, यहाँ से हम वाक्य को, ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, ये क्योंकि से जुड़ा है और दोनों जो वाक्य हैं क्योंकि के बाद में जो लिखा है उससे तो अराजकता और अव्यवस्था हो जाएगी, ये भी क्या है, एक अलग सेंस लेकर के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अलग बनाएंगे और क्योंकि से पहले जो वाक्य है उसका अलग बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ क्या हैं। ठीक है, जैसे आत्यंतिक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो आत्यंतिक दिखाई दे रहा है, आत्यंतिक का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली में होता है एब्सोल्यूट, ये जो अनियंत्रित है इसका मीनिंग होता है अनकंट्रोल्ड। बंधनों का मतलब होता है क्या, बॉन्डेजेस। ठीक है, बॉन्डेजेस प्लूरल में दिया है। अराजकता, अराजकता का मतलब होता है क्या, एनार्की। अव्यवस्था का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है केओज, CHAOS। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिल गया क्या, वर्ड मीनिंग। अब देखते हैं ट्रांसलेशन करने हम जब जाएंगे तो किस तरह से ट्रांसलेशन होगा। तो स्वतंत्रता के लिए आ जाएगा क्या, फ्रीडम, इसका तो मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है ना। फ्रीडम, अब ये क्या बता रहा है, एक प्रकार से संभावना बता रही है कि मुक्त नहीं हो सकती है ना, तो फ्रीडम नहीं हो सकती, सकता के लिए क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी, होने के लिए क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, इस तरह से यहाँ जो होना दिखा है उसके लिए बी आ जाएगा, शक्ति शक्ति के नहीं हो सकता उसके लिए कैन नॉट हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से फ्रीडम कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकता है, एब्सोल्यूट, कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, और या के लिए हो जाएगा, और अनियंत्रित के लिए हो जाएगा अनकंट्रोल्ड। थोड़ा अभी इतना प्रैक्टिस नहीं है मेरा इसमें लिखने का, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे इसको, अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो है। एब्सोल्यूट आर अनियंत्रित के लिए हो जाएगा अनकंट्रोल्ड, अथवा के लिए फिर से आ जाएगा आपका और, अथवा के लिए फिर से और, बंधनों से सर्वथा मुक्त, तो इसके लिए आ जाएगा और, बंधनों से सर्वथा मुक्त, कंप्लीटली, और सर्वथा के लिए हो जाएगा क्या, कंप्लीटली। मुक्त के लिए क्या हो जाएगा, फ्री, कंप्लीटली फ्री। फ्रॉम, से के लिए हो जाएगा फ्रॉम, बंधनों के लिए हो जाएगा बॉन्डेजेस। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ तक आ जाए, आ गया हमारा ट्रांसलेशन बन गया। अब उसके बाद आ गया आपका क्योंकि, तो क्योंकि के लिए हो जाएगा बिकॉज उससे तो अराजकता और अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो आगे समय की बात करी तो विल आएगा बिकॉज दैट विल
बिकॉज दैट विल हो जाएगी, है ना, बिकॉज दैट विल लीड, एक वर्ड आपको यहाँ पे लीड में लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल लीड अराजकता के लिए हो जाएगा क्या, एनआरकी एंड अव्यवस्था के लिए क्या हो जाएगा, केओस, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बन गया है, आप लोग मिला लेना देख लेना, थोड़ा राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं, इसका अगला सेंटेंस क्या है इसमें, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेरी हो जाएगी तो थोड़ा हैंडराइटिंग भी मेरा सुधार हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है देखते हैं, सभी अधिकारों की प्राप्ति और उनके उपभोग पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, तो यहाँ से वाक्य को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जो देश के शासकों द्वारा समाज की निरापदता, स्वास्थ्य, साधारण व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक समझे जाएं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तक बना लेते हैं, सभी अधिकारों की प्राप्ति और उनके उपभोग पर ऐसे ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब क्या है इसमें, लगाया जाना, ठीक है, लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, क्या लगाया जा सकता है, युक्तियुक्त निर्बंधन, तो यहां पर आ जाएंगे, ये है युक्तियुक्त निर्बंधन, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, आपके ट्रांसलेशन की शुरुआत होगी यहां से, युक्तियुक्त के लिए क्या आएगा, रीजनेबल, निर्बंधन के लिए क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, तो कैन बी इम्पोज्ड, लगाए जाने के लिए हो गया इम्पोज्ड। अब किसके पे लगाया जाना है, तो पीछे पीछे को आएंगे, यहां से पीछे पीछे आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इम्पोज्ड ऑन, पर बोला है ना, पर के लिए हो जाएगा ऑन प्राप्ति और उनके उपभोग, ऑन द प्राप्ति के लिए क्या हो जाएगा, प्राप्ति के लिए चलो मैं मीनिंग भी लिख के बता देता हूं आपको, आ जाएगा अटेनमेंट, ATTAIN, अटेनमेंट, उपभोग के लिए आ जाएगा एंजॉयमेंट, युक्तियुक्त के लिए आ गया रीजनेबल, निर्बंधन के लिए आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन, निरापदता के लिए आ जाएगा सेफ्टी, ठीक है। तो इस तरह से इम्पोज्ड ऑन, यहाँ क्या आ जाएगा, अटेनमेंट हो जाएगा प्राप्ति एंड एंजॉयमेंट उपभोग के लिए क्या आ गया, एंजॉयमेंट। अब ये किसका है, ये प्राप्ति और उपभोग किसके लिए आया है, सभी अधिकारों के लिए, ठीक है। तो अटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट ऑफ सभी अधिकारों, है ना, तो ऑफ ऑल द राइट्स, सभी अधिकारों के लिए आ जाएगा ऑल द राइट्स, हम पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम पीछे पीछे को जाते जा रहे हैं, इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है ना, आप सबको पता है हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होता है। उसके बाद आ जाएगा, जो देश के शासकों द्वारा समाज की निरापदता, स्वास्थ्य, साधारण व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक समझे जाएं। अब समझने के लिए क्या आता है, सब देखो, ट्रांसलेशन में कठिनाई जो होती है वो क्या होती है, इस तरह के वाक्यों की, समझे जाएं, क्या समझे जाएं, आवश्यक समझे जाएं, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसके लिए क्या लिख के आएंगे, यही एक ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है। तो जो के लिए आ जाएगा विच आर, समझे जाएं के लिए क्या आएगा, विच आर कंसिडर्ड आवश्यक के लिए क्या हो जाएगा, नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी, हम यहाँ से पीछे पीछे को जा रहे हैं, ठीक है, नेसेसरी
ये सब्जेक्ट का पार्ट आने के बाद में क्या आता है, वर्ब आया, वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जो देश के शासकों द्वारा, ठीक है, यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है हमें, पेशी वाइज का फॉर्म है यहाँ पे, देश के शासकों द्वारा। तो देश के शासकों के लिए क्या आएगा, बाय द रूलर्स ऑफ द, बाय द रूलर्स ऑफ द कंट्री। अब आएगा आपका किसके लिए है, फॉर, अब समाज की निरापदता है, समाज के लिए सारी चीज़ें, ठीक है, समाज की निरापदता, स्वास्थ्य, साधारण व्यवस्था, अनैतिकता, ये सारे चीज़ किसके लिए, समाज के लिए। तो सबको, समाज को कॉमन लेते हुए हम आएंगे, तो पहले क्या आएगा हमारा, समाज बाद में आ जाएगा, ऑफ निरापदता के लिए, फॉर सेफ्टी, सेफ्टी कॉमा स्वास्थ्य के लिए आ जाएगा, हेल्थ, ठीक है। उसके बाद में साधारण व्यवस्था के लिए आ जाएगा, जनरल, जनरल ऑर्डर, सॉरी मैं यहाँ तक आगे जा रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं मिल रहा है, जनरल ऑर्डर, एंड एंड नैतिकता के लिए क्या आएगा, मोरेलिटी, मोरेलिटी। अब ये सारी चीज़ें किसकी है, समाज की, तो मोरेलिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का बन चुका है, तो थोड़ा सा अगर राइटिंग अगर ख़राब लग रही हो तो एडजस्ट कर लीजिए, बाकी ठीक है, ट्रांसलेशन तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, कहाँ से हमने कैसे ब्रेक किया है। अगले वाक्य में चलते हैं, अगले वाक्य में आप देखेंगे, प्रत्येक प्रकरण में वह व्यक्ति और समाज के परस्पर विरोधी हितों के समायोजन का प्रश्न होता है। अब यहाँ पे हार्ड वर्ड यानी कि कठिन शब्द सिर्फ एक ही दिख रहा है, समायोजन, समायोजन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकरण में, हम पहले यहां तक का ट्रांसलेशन बना लेंगे, प्रत्येक प्रकरण में इसका क्या हो जाएगा, इन एवरी केस, कॉमा दे देंगे, ठीक है, प्रत्येक प्रकरण में, इन एवरी केस, यह व्यक्ति और समाज के परस्पर विरोधी हितों के समायोजन का प्रश्न होता है। इट इज क्वेश्चन ऑफ, प्रश्न होता है, ठीक है, तो वर्ब वाला पार्ट आ गया, इट इज क्वेश्चन ऑफ किसका होता है, क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन के लिए क्या आएगा, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ के लिए आ जाएगा ऑफ, हम पीछे पीछे को आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन हमेशा इस तरह से बनता है, पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर वर्ब देखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ किसका, विरोधी हितों का, एडजस्टमेंट ऑफ किसका, परस्पर विरोधी हितों, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरेस्ट ऑफ व्यक्ति और समाज के, या किसके हैं, व्यक्ति और समाज के, ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंड द सोसाइटी, ठीक है, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। अगला ट्रांसलेशन में चलते हैं, सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति को यह छूट है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन चलाए, ठीक है, सामान्यता के लिए क्या आ जाएगा, जेनरली, जेनरली प्रत्येक व्यक्ति को यह छूट है, एवरी इंडिविजुअल हैज फ्रीडम, छूट है, स्वतंत्रता है मतलब, ठीक है, कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन चलाए, दैट की के लिए आ जाएगा, दैट ही मे लाइव हिज लाइफ
एज पर हिज विश, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन चलाए, ठीक है। हाँ, अगला वाक्य है, वह चाहे जो कहे, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? ही कैन से वाट एवर ही वांट्स, और जो चाहे कहे, ठीक है। ही कैन से वाट एवर ही वांट्स, उसके बाद कॉमा करके आ जाएगा, चाहे जहां जाए ही कैन से वाट एवर ही वांट्स, गो वेयर एवर ही वांट्स, जहां चाहे जाए, ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार व्यापार, उपजीविका या कारोबार करें, डू बिजनेस कामा लेवलीहुड आर ट्रेड, व्यापार कारोबार के लिए आर ट्रेड एज पर हिज विश, इच्छा अनुसार करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह चाहे जो कहे, चाहे जहां जाए, सॉरी ये डबल रिपीट हो गया है ना, तो चलिए इसका तो ट्रांसलेशन हमने बना दिया है। नीचे आते हैं, वह जो भी विधिपूर्ण कार्य करना चाहता है करें, इसमें कोई भी व्यक्ति बाधा या अड़चन ना पहुंचाए। वह जो भी विधिपूर्ण कार्य करना चाहता है, तो ये सेंटेंस को देखेंगे, वह जो भी विधिपूर्ण कार्य करना चाहता है, यहाँ तक से हो जाएगा एक अलग ग्रुप, करे चाहता है करे, ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति बाधा या अड़चन ना पहुँच। वाट एवर लॉफुल, वाट एवर लॉफुल वर्क ही वांट टू डू, चाहता है ना, करना चाहता है, विधिपूर्ण कार्य करना चाहता है। वाट एवर लॉफुल वर्क ही वांट टू डू, वह बोला है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति बाधा या अड़चन ना पहुँचाए, ठीक है, कॉमा करके आ जाएगा, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति ने पहुँचाए, नो पर्सन सेल, बाधा ना पहुँचाए, तो ऑब्स्ट्रक्ट आर हिंडर डूइंग इट, ठीक है। अगले वाक्य में चलते हैं, किंतु इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए समाज को कुछ शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। बट किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, इन बोला है तो इनके लिए आ जाएगा देश, बट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देश फ्रीडम्स, उसके लिए क्या चाहिए? समाज को कुछ शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। नीड्स सम पावर, ठीक है, इस तरह से ट्रांसलेशन बन जाएगा। इसीलिए संविधान जनता के अधिकारों की घोषणा करने में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? इसलिए के लिए हो जाएगा देयरफॉर, संविधान जनता के अधिकारों की घोषणा करने में, देयरफॉर इन डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ
राइट्स ऑफ पब्लिक therefore in declaring the rights of public the constitution क्या करता है बैलेंस करता है ना वर्ब आएगा ना द कंस्टिट्यूशन बैलेंसेस अब ये देखो ये क्या है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है ठीक है प्रेजेंट सिंपल की वाक्य है तो इसमें ता है ती है आता है तो संतुलन करता है के लिए आ जाएगा बैलेंसेस बैलेंसेस किसके बीच करता है बिटवीन आ जाएगा उसके लिए बीच करता है बिटवीन द व्यक्ति की स्वतंत्रता बिटवीन द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ या इंडिविजुअल लिबर्टी बोल सकते हैं ठीक है इंडिविजुअल एंड सामाजिक सुरक्षा के लिए आ जाएगा क्या सोशल सिक्योरिटी ठीक है इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा बहुत आसान हो रहा है ऐसे अगर आप लोग देख के करते जाएंगे बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन बनेगा संविधान का अनुच्छेद 19 व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की एक सूची देता है अब देखो फिर से क्या आएगा ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य आ रहा है देता है तो हम यहाँ देता ता है तक से यहाँ तक से इसका बनाएंगे क्योंकि और से इसको हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग वाक्य बन जाएगा ठीक है संयुक्त वाक्य है उसको हम अलग अलग छोटा छोटा टुकड़े में कर लेंगे संविधान का अनुच्छेद 29 व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की एक सूची देता है ठीक है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सूची देता है के लिए क्या गिव्स वर्ब का फॉर्म आ गया यहाँ पे ठीक है पहले कर्ता आया उसके बाद में क्या आ गया वर्ब आ गया गिव्स अब क्या देता है ऑब्जेक्ट आएगा गिव्स अ लिस्ट सूची देता है ठीक है गिव्स अ लिस्ट किसकी सूची देता है लिस्ट ऑफ सूची किसकी देता है लिस्ट ऑफ व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की गिव्स अ लिस्ट ऑफ लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल लिबर्टीज ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है एंड और के लिए आ जाएगा एंड ठीक है एंड विभिन्न खंडों में वे निर्बंधन दर्शाता स्पेसिफाइज ठीक है दर्शाता है के लिए आ जाएगा एंड स्पेसिफाइज द विभिन्न खंडों के लिए क्या द डिफरेंट सेक्शंस द रिस्ट्रिक्शंस निर्बंधन के लिए आ जाएगा क्या रिस्ट्रिक्शंस जो उन पर लगाए जा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जो उन पर लगाए जा सकते हैं के लिए क्या हो जाएगा बीच में भी इम्पोज्ड लगाए जा सकते हैं लगाने के क्या कि इम्पोज्ड बीच में भी इम्पोज्ड जिससे उनका कल्याण या साधारण सदाचार से संघर ना हो बीच में भी इम्पोज्ड किस पर लगाए जा सकते हैं व्यक्तियों पर ना बीच में भी इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल विच आर नाट क्या नहीं है संघर्ष ना हो विच आर नाट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ देयर कल्याण के लिए क्या आ जाएगा उनका के लिए हो जाएगा देयर कल्याण के लिए हो जाएगा क्या वेलफेयर आर जनरल सदाचार के लिए क्या हो जाएगा मोरालिटी ठीक है इस तरह से देखेंगे ठीक है क्योंकि ये इस तरह के उपकरणों के साथ में मेरा पहला वीडियो था
थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए क्लास स्लो भी चला है। तो आप लोग एडजस्ट करके चलिएगा और उम्मीद करता हूँ कि अगले क्लास में मैं भी बेहतर परफॉर्म करूँगा और आप लोगों के लिए भी एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।